इंग्लिश फॉर ऑल एक रिपोर्ट। अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण के क्षेत्र में देश की अग्रणी संस्था ब्रिटिश लिंग्वा इस वर्ष अपनी रजत जयंती यानी सिल्वर जुबली मना रही है। 1993 में बिहार की राजधानी पटना में ब्रिटिश लिंग्वा की स्थापना एक मिशन के रूप में की गई थी। इस संस्था का उद्देश्य है स्पोकन इंग्लिश स्किल का लाभ समाज के निचले स्तर तक पहुंचाना एवं युवा पीढ़ी को रोजगारोन्मुख बनाना। संस्था का स्लोगन है इंग्लिश फॉर ऑल। ब्रिटिश लिंग्वा के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर बीरबल झा ने कहा कि हमारा समाज दो वर्गों में बटा हुआ है, संभ्रांत एवं वंचित। संभ्रांत परिवार के बच्चे अंग्रेजी माध्यम के प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, जबकि वहीं वंचित वर्ग के बच्चे निशुल्क शिक्षा पाने के लिए सरकारी विद्यालय जाते हैं जहां अंग्रेजी को महत्व कम दिया जाता है। परिणाम स्वरूप वे अंग्रेजी के लाभ से वंचित हो जाते हैं एवं आगे चलकर रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। उन्हें डिसेंट जॉब प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्पोकन इंग्लिश की कमी के कारण उपयुक्त जॉब नहीं मिल पाती है। डॉक्टर झा ने आगे कहा कि वंचित वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने, भाषाई हक दिलाने एवं रोजगार के लायक बनाने के उद्देश्य से ही ब्रिटिश लिंग्वा की स्थापना की गई थी। विगत 25 सालों में ब्रिटिश लिंग्वा ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कुछ उपलब्धियां इस प्रकार हैं: बिहार सरकार के साथ मिलकर 30,000 से अधिक महादलित युवक युवतियों को स्पोकन इंग्लिश की सफल ट्रेनिंग दी गई। दिल्ली में आयोजित 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को स्पोकन इंग्लिश स्किल एवं आचार व्यवहार की अनोखी ट्रेनिंग दी गई। बिहार के कई जिलों में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT के साथ मिलकर सरकारी उच्च विद्यालय के शिक्षकों हेतु स्पोकन इंग्लिश एवं कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम का सफल संचालन किया गया। लाखों छात्र छात्राओं का बेहतर करियर एवं भविष्य सुनिश्चित किया गया। समाज में बौद्धिक विकास के लिए सैकड़ों सेमिनार, विचार विमर्श एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया। विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम का संचालन किया गया। 25 किताबों का प्रकाशन भी किया गया है। अपनी आगामी योजना के बारे में बताते हुए जाने माने लेखक डॉक्टर बीरबल झा ने कहा कि वे देश के हर कोने में ब्रिटिश लिंग्वा का सेंटर खोलकर युवा पीढ़ी की जीवन शैली को बेहतर बनाने का काम करेंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के संचालन के लिए उन्होंने समान विचारधारा वाले व्यक्ति को देश हित में आगे आने को कहा। डॉक्टर झा का मानना है कि देश की तकदीर सामयिक शिक्षा की बदौलत ही बदलेगी। इंग्लिश आज भाषा ही नहीं बल्कि स्किल बन गई है। आज के वैश्विक दुनिया एवं युवा पीढ़ी के करियर को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। न्यूज़ वॉच की रिपोर्ट।